अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं एक सेल्स ट्रेनर हूँ। अक्सर जॉब सीकर्स मुझे क्वेश्चन भेजते रहते हैं कि जी इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, इसका आइडियली क्या जवाब होना चाहिए। इस वीडियो के ज़रिए मैं इसी सवाल का जवाब आपको बताऊंगा कि जब भी आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका मकसद क्या होता है। इस क्वेश्चन का सिवाय आइस ब्रेकिंग के, सिवाय एक स्टार्टर के, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। आप जब अपने आप के बारे में बताते हो कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, आपने इसमें क्या बताना है? अपना नाम बताना है, जो कि उनके पास रेज्यूमे पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, उनको पता है कि आप कौन हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये भी है लिखा हुआ। आप कौन सी कंपनी में करंटली काम कर रहे हैं, वो भी लिखा हुआ है। किस किस कंपनी में आप पहले काम कर चुके हैं, वो भी आपके सीवी पे लिखा हुआ है। जब ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा जाता है? ज़ाहिर है इंटरव्यू कहीं से तो स्टार्ट करना है ना, और वो यही सवाल होता है कि प्लीज टेल अस अबाउट योर सेल्फ। आइडियली इंटरव्यूअर्स अपने तरफ से इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं ऐसे ही स्टार्ट करूंगा इंटरव्यू। मैं पहले उसको इंटरव्यूई को वेलकम करूंगा, बिठाऊंगा, रिलैक्स करूंगा, और उसके बाद मैं अपना तारफ करवाऊंगा कि जेंटलमैन, माई नेम इज अशरफ चौधरी एंड आई एम पाकिस्तान लीडिंग सेल्स ट्रेनर एंड आई एम हेड हंटर। मेरे जो राइट साइड पे बैठे हैं इनका ये नाम है और इनकी ये डेजिग्नेशन है, जो लेफ्ट साइड पे बैठे हैं इनका ये नाम है, इनकी ये डेजिग्नेशन है। अब ये सारा करने के बाद मैं उनसे ये पूछूंगा कि जी आपको यहाँ पे आने में कोई दुश्वारी तो नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आप बेसिकली जितना इंटरव्यूई को रिलैक्स करोगे उतना बेहतर आप उसको जज कर पाओगे। और वो यही होता है कि वो आपके पास एक मेहमान भी आया है, आप उसको मेहमान की तरह भी ट्रीट करोगे, आप उससे पानी भी पूछ सकते हो, आप उसको रिलैक्स करोगे आप उससे। इसके बाद फिर आप उससे यही सवाल पूछते हैं कि जी प्लीज़ टेल अस अबाउट योर सेल्फ। और तमाम जो इंटरव्यूज़ हैं, जो जॉब सीकर हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि इसमें सिर्फ आपने सादा लफ्ज़ों में अपना इंट्रोडक्शन करवा देना होता है, अपना नाम, आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं और आपकी करंट कंपनी क्या है। हाँ, ये सारा बताते वक्त आप इस सवाल का जब जवाब आप ख़त्म कर रहे होंगे, एक ऐसा थ्रेड जरूर छोड़ देंगे अपने जवाब में कि जहां से उसको क्यूरियोसिटी हो अगला सवाल पूछने की। अब बेसिकली इंटरव्यू इंटरव्यू में अगर आपने लीड करना शुरू कर दिया पैनल को तो आप कामयाब हैं, अदरवाइज उनके पास सेट क्वेश्चंस होंगे, उसी का वो आपसे जवाब उसी से वो आपको करेंगे, वो जवाब पूछेंगे। आप बताते जाओगे तो आपको वो चीज़ें बताने का शायद मौका नहीं मिल पाएगा जो आप बताना चाहते हैं, जो आपकी यूएसपीज हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस हैं। आपने सारे इंटरव्यू में जो कोशिश करनी है कि आपने इंटरव्यूअर्स के पैनल को लीड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे सवाल को पूछता है कि जेंटलमैन प्लीज टेल अस अबाउट यूर सेल्फ। मैं अब इंटरव्यू पे आया हुआ हूँ तो मैं ऐसे ही इंट्रोडक्शन अपना करवाऊंगा कि सर, माय नेम इज अशरफ चौधरी एंड आई एम पाकिस्तान लीडिंग सेल्स ट्रेनर एंड हेड हंटर। आई एम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इस वक्त मैं सारे पाकिस्तान में, सारे बड़े शहरों में, तमाम इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, सेल्स की ट्रेनिंग का। जब भी कहीं नाम लिया जाए तो अशरफ चौधरी का नाम सबसे पहले दिमाग में लोगों के आ रहा होता है। मैं आपकी कंपनी में इस वक्त क्यों आया हूँ, मैंने यहाँ पे अप्लाई क्यों किया था, उसकी एक खास रीज़न है। वुड यू लाइक टू नो अबाउट दैट रीजन? अब आप देखें कि मैंने उनको किस पॉइंट पे लेकर आ गया हूं। अब वो बिल्कुल ही कोई इनसेंसिटिव बंदा होगा जो नहीं जानना चाहेगा कि वाई आई एम हेयर, जबकि मैं उनको लीड करके ले आया हूं कि वुड यू लाइक टू नो दोज रीजन। हाँ, अगर तो वो बिल्कुल लकीर के फकीर हैं, उन्होंने चंद सवाल लिखे हुए हैं वही पूछने हैं, तो वो कहेंगे जी नो नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वाई यू आर हेयर, वो अगला सवाल अपना पूछ लेंगे। बट ऐसा होता नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऐसा होगा नहीं। वो आपसे लाजमी तौर पर उनकी क्यूरियोसिटी होगी कि यस यस श्योर, यू यू कैन टेल अस दैट वाई यू आर हेयर, वाई 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 डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोजिशन। अब मेरे पास वाई आ गया ना, जब मैंने अब इसका जवाब देना है तो बेसिकली मैंने इस चीज का जवाब देना है कि वाई योर कंपनी शुड हायर मी। अब मेरे पास एक रीजन होगी, दो रीजन होगी, तीन रीजन होगी, चार रीजन होगी।
चार से पांच रीजंस, ऐसी कंपेलिंग रीजंस होंगी कि व्हाई योर कंपनी शुड हायर मी। हालांकि क्वेश्चन ये था कि व्हाई आई एम हेयर, तो उसको आपने इस तरीके से उसको बयान करना है कि व्हाई योर कंपनी शुड हायर माई सर्विसेज। तो दोस्तों, आपने कोशिश ये करनी होती है कि इंटरव्यू पैनल को आप लीड करें। हर सवाल का जवाब देते वक्त आखिर में आप कोई ऐसा थ्रेड छोड़ जाएं, ऐसी बात छोड़ जाएं कि जिससे उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े और वही सवाल वो पूछे जो आप चाहते हो कि वो आपसे पूछे। दोस्तों, मैं अभी इसके बाद एक अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस चीज़ का जवाब दूंगा कि वेयर डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स या 10 ईयर्स। ये क्वेश्चन भी नॉर्मली इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। ये मैं आपको अगली वीडियो, जो 118 नंबर वीडियो होगी, ये 117 वीडियो है, मैं 118 नंबर वीडियो में ये मैं आपको बताऊंगा कि वेयर डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।